दोस्तों, आप लोगों को हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। मैं आप लोगों को आज जो 10 क्लास का टेस्ट हुआ है उसका मैं मैथ का सलूशन लेकर आया हूं। तो हम मैथ का सलूशन करेंगे, लेकिन इससे पहले हम एक बात बोलेंगे कि आप हमारे YouTube वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। और मैं ये टेस्ट जितना दिन होगा, साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत, मैथ, उसका मैं सब विषय का सलूशन लेकर आऊंगा। तो आप लोग हमारे वीडियो को देखते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच जाए। तो आइए हम लोग मैथ का सलूशन करते हैं। पहला क्वेश्चन है ए बराबर 3 के पावर 4 गुने 5 के पावर 3, बी बराबर है 3 के पावर 2 गुने 5 के पावर 2, और बोला गया है इसका HCF ज्ञात करने के लिए, यानी कि मसह ज्ञात करने के लिए। तो दोस्तों, ऐसे प्रश्नों का मसह ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि दोनों में कॉमन क्या हो रहा है। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर दोनों में कॉमन हो रहा है 3, 3 यहाँ भी है, 5, 5 यहाँ भी है। तो क्या करेंगे, मसह ज्ञात करने के लिए इस गुणनखंड का छोटा वाला लेंगे। कौन सा लेंगे, छोटा वाला लेंगे। तो यहाँ पर 3 के पावर 2 लिख दिए अगुने, यहाँ पर देख रहे हैं कि 5 के पावर 3 है, यहाँ पर 5 के पावर क्या है, 2 है। तो यहाँ पर 5 के पावर क्या ले लेंगे, 2 लेंगे। हम आपको पहले ही बोले कि छोटा घात वाला लेंगे, यहाँ पर 3 के पावर 4 है तो इसको नहीं लेंगे, 3 के पावर 2, 3 के पावर 2 ले लेंगे। 5 के पावर 3 है तो बड़ा वाला को नहीं लेकर छोटा वाला को लेंगे। तो 3 के पावर 2 का मतलब होता है 9, तीतरिका 9, और 5 के पावर 2 का मतलब होता है 50, 25, और 9 में 25 से गुना कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 225। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन है 0.43 के ऊपर बार, इसे पी बाटा क्यू के रूप में क्या करना है, व्यक्त करना है। पी बाटा क्यू के रूप में क्या करना है, व्यक्त करना है। तो हम आप लोगों को पीछे वाले वीडियो में बताए हैं कि 0.43 है तो यहाँ पर 4, 3 लिख देंगे, लेकिन देखेंगे कि कितने संख्या के ऊपर बार है। तो देख रहे हैं कि डबल अंक के ऊपर क्या है, बार है, यानी 4 पर भी बार है और 3 पर भी बार है। तो बाटा में डबल 9 लिख देंगे, जितना अंक पर बार रहेगा बाटा में उतना ही अंक पर क्या लिखेंगे, 9 लिखेंगे। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, इसका ऑप्शन ए आंसर होगा और दूसरा वाला का ऑप्शन बी होगा। दूसरा वाला का ऑप्शन क्या होगा, बी ऑप्शन होगा। और तीन नंबर प्रश्न को देखते हैं। 3 नंबर प्रश्न है चतुर्भुज के सभी कोणों का योग कितना होता है। तो चतुर्भुज के सभी कोणों का योग कितना होता है, चतुर्भुज के सभी कोणों का योग कितना डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। चतुर्भुज के सभी कोणों का योग कितना डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। अगला प्रश्न है 4 नंबर कि 11 बटा इसका ऑप्शन होगा सी, इसका ऑप्शन सी होगा। 4 नंबर प्रश्न है 11/80 का दशमलव प्रसार क्या होगा। तो 11/80 का दशमलव प्रसार पूछ रहा है, तो ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। ऊपर वाले को अंश बोलते हैं और नीचे वाले को हर बोलते हैं। तो यहाँ पर 11/80 लिख देंगे ऊपर, और 80 का यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 80 का अभाज्य गुण, तो 2 से कटाएंगे तो 40 बार में जाएगा, 2 से कटाएंगे तो 20 बार में जाएगा, 2 से कटाएंगे
तो 10 बार में जाएगा और 2 से कटाएंगे तो 5, तो यहाँ पर आ गया 2 के पावर 4 × 5। तो हम लोग जानते हैं कि दशमलव प्रसार शांत करने के लिए क्या किया जाता है। एक नंबर में यदि किसी भिन्न के हर में, यदि किसी भिन्न के हर में 2 दिखाई दे तो उसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। उसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। और अगला बी, यदि आपको किसी भिन्न के हर में, कहां पर, हर में सिर्फ 5 दिखाई देता है, यानी कि केवल 5 दिखाई देता है, तो भी हमारा दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। आज यदि आपको 2 और 5 दोनों दिखाई देता है तो तभी हमारा दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। तो इसीलिए इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। और इसका ऑप्शन नंबर क्या है, ए है। ऑप्शन क्या है, ए। अब यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा 5 नंबर क्वेश्चन क्या है। तो 5 नंबर क्वेश्चन में है अभाज्य संख्या। क्या है, अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या के बारे में हम जानते हैं कि वैसी संख्या जो एक या अपने आप से, जो एक या अपने आप से क्या हो, विभाज्य हो, उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर इस प्रश्न में है 41, यानी कि 41 क्या है, अभाज्य संख्या है। इसमें ऑप्शन क्या है, बी है। ऑप्शन क्या है, बी है। ऑप्शन बी है अभाज्य संख्या। और आइए हम लोग कुछ अभाज्य संख्या के बारे में चर्चा करते हैं। तो अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है। और कभी कभी इसको सम बोलता है, क्या बोलता है परीक्षा में, कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या होगा, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या होगा, 2 होगा। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या होगा, 2 होगा। 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 6 नंबर प्रश्न है बहुपद 8x + 14 का शून्य ज्ञात करें। तो 8x + 14 का शून्य ज्ञात करने, तो 8x + 14 = क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। 8x = यहाँ पर -14 लिखेंगे। क्यों -14 लिखेंगे, क्योंकि ये समीकरण बन गया। तो समीकरण में हम जानते हैं कि बायां पक्ष से जब दाएं पक्ष के तरफ किसी भी अंक को ले जाते हैं तो उनका चिन्ह क्या हो जाता है, बदल जाता है। किस पक्ष से, बाएं पक्ष से जब दाएं पक्ष की तरफ ले जाते हैं तो उसका चिन्ह क्या हो जाता है, बदल जाता है। तो यहाँ पर 8x है, यहाँ पर +14 है, इसलिए इसको दाएं पक्ष में ले आए तो क्या हो गया, 14 हो गया। तो x = लिखेंगे -14/8। क्यों माइनस, यहाँ क्यों यहाँ पर 8 आ गया, क्योंकि यहाँ पर 8x के साथ में क्या चीज में है, गुना में, क्या चीज में है, गुना में। तो इधर आएगा तो क्या चीज में बदल जाएगा, भाग में। अब देख रहे हैं कि ये कट रहा है, यानी कि क्रॉस कर देंगे, 2 × 7 = 14, 2 × 2 = 4, यानी कि -7/2 - -7/4 हो जाएगा, -7/2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा। 7 नंबर प्रश्न, 7 नंबर प्रश्न है 128/168 का सरलतम रूप ज्ञात करना है। तो सरलतम रूप ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, इसको क्रॉस कर देंगे, यानी कि छोटा कर देंगे, क्या कर देंगे, छोटा कर देंगे, छोटा। तो यहाँ पर सबसे पहले 2 अंक से, 2 से कटाना, 2 से कटाने तो 2 × 6 = 12, 2 × 4 = 8, 64 बार में 2 से इसको कटा, 2 × 8 = 16 और 2 × 4 = 8 कट गया। फिर इसको 2 से कटाएंगे तो 32 बार में कट गया। फिर इसको 2 से कटाएंगे तो 42 बार में कट गया। फिर इसको 2 से कटाएंगे तो 16 बार में जाएगा। फिर इसको 2 से कटाएंगे तो 21 बार में जाएगा, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा 16/21 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। 8वां प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 8वां प्रश्न है अपरिमेय संख्या। क्या है, अपरिमेय संख्या। तो दोस्तों अपरिमेय संख्या में होता है कि जिस संख्या का वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता है, वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। और जिस संख्या का वर्गमूल क्या करते हैं, निकालते हैं, क्या करते हैं,
वर्गमूल निकालते हैं, वर्गमूल क्या करते हैं निकालते हैं, उसे क्या कहते हैं परिमेय संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन है, ऑप्शन डी ऑप्शन है रूट पांच, डी ऑप्शन क्या है रूट पांच है। तो रूट पांच एक क्या है अपरिमेय संख्या है, रूट पांच एक क्या है अपरिमेय संख्या। और जिसका वर्गमूल निकल जाएगा, जिसका वर्गमूल निकल जाएगा तो वह क्या होगा परिमेय संख्या होगा, और जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा वह क्या होगा अपरिमेय संख्या होगा। अब 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न है द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण का पहला ऑप्शन है x प्लस वन का होल स्क्वायर और थ्री छोटा कोष्ट x प्लस वन। तो इसको हम लोग क्या कर देंगे हल कर देंगे। हल करने के लिए सबसे पहले देख रहे हैं कि यहाँ पर एक फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस क्या होता है बी स्क्वायर होता है। ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस क्या होता है बी स्क्वायर होता है। तो हम क्या करेंगे इसको a मान लेंगे, इसको a मान लेंगे और a को क्या मान लेंगे b मान लेंगे। यहाँ पर बोल रहा है कि a का स्क्वायर, तो a किसको माने हैं x को, तो x का स्क्वायर कर देंगे प्लस टू ए बी, तो टू गुने एक्स गुने वन प्लस बी का होल स्क्वायर, तो बी किसको माने हैं वन, तो वन को होल स्क्वायर कर दे। और यहाँ पर कॉमन विधि से क्या कर देंगे गुना कर देंगे, एक बार यहाँ गुना करेंगे और एक बार यहाँ, तो थ्री एक्स प्लस क्या हो जाएगा थ्री हो जाएगा। और इसको हल करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन होगा। लेकिन हम आप लोगों को बताएं कि जब ये दाया पक्ष में है, किस पक्ष में है दाया पक्ष में, तो इसको बाएं पक्ष में लाएंगे तो इसका चिन्ह क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, इसका चिन्ह क्या होगा चेंज हो जाएगा। तो इधर में क्या बच जाएगा जीरो बच जाएगा। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो गया, यहाँ पर प्लस में टू एक्स है और यहाँ पर माइनस थ्री एक्स है। तो प्लस माइनस रहता है तो क्या करते हैं घटाते हैं, प्लस माइनस रहता है तो क्या करते हैं घटाते हैं, और किसका चिन्ह लिखते हैं बड़ा अंक का चिन्ह लिखते हैं। तो टू एक्स माइनस थ्री एक्स, तो माइनस एक्स होगा। यहाँ पर प्लस में वन है, यहाँ पर माइनस में तीन है, तो यहाँ पर माइनस टू होगा। क्यों? क्योंकि हम आप लोगों को बताएं कि प्लस माइनस रहता है तो क्या करते हैं घटाते हैं। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 10 नंबर प्रश्न है, कौन परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या कौन परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या के लिए क्या करेंगे, परिमेय संख्या के लिए तो हम देख रहे हैं कि इसमें किसका वर्गमूल निकाला जा सकता है। तो जिस संख्या का वर्गमूल निकाला जाता है उसे क्या कहते हैं परिमेय संख्या कहते हैं, जिस संख्या का वर्गमूल निकाला जाता है उसे क्या कहते हैं परिमेय संख्या कहते हैं।